तो आज हम इस तरह से एक राम मंदिर का बैनर डिज़ाइन करेंगे तो जो कि अभी राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी को दिए जलाने से रिलेटेड है तो उसके लिए ये हमारे पास ये मंदिर की इमेज है और यहाँ पर श्री राम जी की इमेज है और ये बैकग्राउंड रहेगा और ये एक श्री राम टेक्स्ट लिखा हुआ है तो बाकी जो फ़ोटोज़ लगनी है उसके लिए हम बॉक्स बना देंगे आप अगर सी फाइल डाउनलोड करेंगे वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं तो ये मैटर हमारे पास कुछ इस तरह से है तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इस मैटर को यहाँ पे सेट करेंगे तो अभी हमने क्या करना है यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे इस जगह पे दस जाना है और यहाँ पे पाँच लिख देना है और यहाँ से इंचज सेलेक्ट कर लेना है तो ये दस बाई पाँच का यहाँ पे ये साइज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर एक यहाँ पर रेक्टेंगल इस पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा उसके बाद क्या करना है यहाँ पर ये जो लाइन से यहाँ पे कंट्रोल के से इसको ब्रेक कर लेंगे जब कीबोर्ड से आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये यह सारी लाइनें अलग अलग हो जाएंगी कुछ इस तरह से अभी क्या करना है हमको यहाँ पे पहले ये यह मंदिर यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे इस तरह से ये मंदिर ऐड कर देंगे और उसके बाद राम जी की फोटो ऐड कर देंगे तो जहाँ पे जिस तरफ आपको ऐड करनी है आप उस तरफ ऐड कर लीजिएगा हमको इससे इस तरफ हम यहाँ इस तरह से इसको ऐड कर देंगे और ये यहाँ पे मंदिर की फोटो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपको जहां ये सही लगे आप वहां पे ऐड कर सकते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये यह मंदिर ऐड कर दिया और ये यह यहाँ पे राम जी की यहाँ पे फोटो ऐड कर दी है और उसके बाद ये यह टेक्स्ट यहाँ पे ले आएंगे सारा और इस तरह से अभी एक टेस्ट यहाँ पे स्लाइड कर देंगे उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वहाँ पे चला जाएगा अभी क्या करना है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ये इसके पीछे चली गई तो शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करेंगे तो ये फोटो उसके ऊपर आ जाएगी और मंदिर को शिफ्ट के साथ पेजअप कर लेंगे तो ये वाली फोटो पीछे वाली फोटो से ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरह से हमने इसको कर लेना है और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और इसका साइज़ यहाँ पे हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा और इसको ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेंगे मंदिर ये फोटो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा तो हम इसका इस तरफ से फेस कर लेते हैं और उसके बाद अब क्या करना है इसको सिलेक्ट करना है और फोटो को सिलेक्ट करना है राइट क्लिक करना है पावर क्लिप इनसाइड कर देना है तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे फोटो इसके अंदर चली जाएगी उसके बाद क्या करना है यहाँ पे लिखना है हर घर श्री राम ज्योति जलाएं ये एक लाइन होगी तो इसको ऊपर यहाँ पे कर देंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद ये और ये एक ही सेंटेंस से है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये दोनों एक साथ में फिर से अटैच हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे ये लाइन है इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे बाईस जनवरी दो हजार चौबीस और इसको इंटर कर देंगे कंट्रोल के करेंगे तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा कॉमा यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेंगे और इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे इन दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर हम इस तरह से इसकी एक टैग लाइन बना लेंगे और इसको एक ही, ही इसके नीचे एडजस्ट कर लेंगे और नीचे की यहाँ पर हम जगह छोड़ लेंगे तो यहाँ पर हम फोटो लगा सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे रेक्टेंगल टूल रख करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे क्लिक करके तो या बॉक्स की पर आ जाएगी एफ्टन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके कॉर्नर यहाँ पे मूव कर देंगे राउंड कर देंगे अब इसको नीचे अपना एडजस्ट कर लेना उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको यहाँ पर ड्रैक करके राइट क्लिक कर देना है अब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये बॉक्स बन जाएंगे अब इसको सबको जितने बॉक्स आपको लगाने हैं तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा तो हम इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे तो ये हमारे इतने सारे यहाँ पे बॉक्स इसमें बन जाएंगे अब हम यहां पर इसको एडजस्ट कर लेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा यहां पे हमने क्या करना है इस तरह से लिख दिया और इसको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में हो जाएगा और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके नीचे यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे अब इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे राज एट लगा है फॉन्ट इस पर क्लिक करेंगे कई सारे फॉन्ट हैं यहाँ पे तो हम जो भी फॉन्ट सही लगेगा वाला फॉन्ट यहाँ पे हम लगा लेंगे तो हिंदी के ये सारे फॉन्ट हैं तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे राज तो हमारे पास और फॉन्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो जो भी आपको सही लगेगा आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा अगर आपको फॉन्ट चाहिए तो आप कमेंट करिएगा तो हम आपको फॉन्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे तो हमने ये फॉन्ट सही लग रहा है हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करके और एडजस्ट कर लेंगे इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे सी प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है इसको अब एडजस्ट कर लेना है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और यहाँ पे बाईस जनवरी दो हज़ार चौबीस को हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर फिल कर देंगे तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा अभी क्या करना है एफटेंट टूल सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे कर्व कर देंगे कुछ इस तरह से अब इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है और सी प्रेस करना है तो इस टेक्स्ट इस रेक्टेंगल के सेंटर में आ जाएगा अब प्राण प्रतिष्ठा को सेलेक्ट करना है और सी प्रेस करना है तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा अभी इसको क्या करना है एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आप इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बॉक्स को और इसको भी यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और राम मंदिर हर घर श्री राम ज्योति जलाएं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी अभी क्या करना है इन सबको सेलेक्ट करना है और सी ब्रश करना है और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आप इसका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे और प्राण प्रतिष्ठा को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस है तो तो इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो यह हमारा यहाँ पे चारों तरफ से बड़ा होगा तो अभी क्या करना है अभी यहाँ पे हमें क्या करना है इसका कलर वगैरह करना है तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले यहां पे आप जो श्रीराम लिखा हुआ है आप इसको भी यहां पे लगा सकते हैं इसकी जगह पे जो भी आपको सही लगे आप वो लगा लीजिएगा मैं सारा मैटर आपको सी डी आर फाइल में दे दूंगा आप वहाँ से सब कुछ एडिट कर सकते हैं अभी उसके बाद क्या करना है अभी ये यह यहाँ पे इस तरह से फोटो वगैरह है तो उसको वॉश करना है तो उसके पावर क्लिप के अंदर जाएंगे बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ और इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे रिसम्पल बिट बिट मैप पर तो रिजेंपल बिट मैप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी डी पी आई देख लेनी अब यहाँ पर बिट मैप पर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कन्वर्ट बिट मैप और यहाँ पर जो उस पर डी पी आई थी वही डी पी आई यहाँ पर आपको लिख देनी टू फिफ्टी फाइव थी ओके कर देना है अब इसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करना है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी एक बार ट्रांसपेरेंसी के बाद दोबारा ट्रांसपेरेंसी यूज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है फिर से बिट मैपे इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करना है और कन्वर्ट टू बिट मैप आप ये ध्यान रखिएगा इसकी जो डी थी उसी डी पी आपको कन्वर्ट करना है तो इमेज वैसी की वैसी रहेगी नहीं तो इमेज ब्लर भी हो सकती है उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है फिर ट्रांसपेरेंसी टूल रेड करना है और इधर से भी इसको वॉश कर देना है तो ऐसे आप इसको यहाँ से वॉश कर लेते हैं कुछ इस तरह से तो आपका अभी यहाँ पे इस तरह से शो करने लगेगा अभी क्या करना है आप अपना मैटर वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो अभी हमने यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया है और इसके बाद अब हमको इसको कलर करना है तो यहाँ पे हम श्री राम हर घर श्री राम ज्योति जलाएं इसमें यहाँ पे हम रेड कलर कर देंगे और उसके बाद इसका कलर कर देंगे हल्का सा यहाँ पे हम ऑरेंज और ये जो इसकी आउटलाइन है इसको वाइट करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे वाइट कलर पे और एफ ट्वेल्व प्रेस करेंगे और इसकी जो यहाँ पे मिलीमीटर mm सेलेक्ट है इसको यहाँ पे पॉइंट्स में कर देंगे और यहाँ पे इसको पॉइंट टू कर देंगे और ओके okay कर देंगे उसके बाद क्या करना है प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे कलर चेंज करना है आपको तो उसके लिए क्या करना है इसका कलर हम कर देंगे रेड और एफ़ ट्वेल्व सेलेक्ट करेंगे और इसकी पॉइंट आउटलाइन यहाँ पर कर देंगे थ्री की फिर से एफ़ ट्वेल्व प्रेस करेंगे अगर इस तरह से आपकी आउटलाइन लग रही है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर्स पे यहाँ पे राउंड कॉर्नर सेलेक्ट करना है यहाँ पे बिहाइंड फील्ड सेलेक्ट करना है और ओके okay कर देना है आउटलाइन यहाँ से और इसकी बोल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें राउंड फाइव कर देंगे राइट right क्लिक करना है और यहाँ से ये राइट right क्लिक करके इसके आउटलाइन वाइट कर देंगे अभी क्या है? इसको सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा नीचे लाना है और यहाँ पे जो आपका ये जय श्री राम और ये तो इसको इस तरह से लाएंगे अभी यहाँ पे एक फ्लैग ले आना है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे नेट पे भगवा फ्लैग पी और इसको सर्च कर लेंगे और एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे यहाँ पे फ्लैग आ जाएगा तो जो भी आपको फ्लैग सही लगे आप वो फ्लैग फ्लैग वहाँ पे लगा सकते हैं तो अभी हम यहाँ पे ये वाला फ्लैग यहाँ सेव कर लेते पी एन में और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे कोरल ड्रॉ में और उसके बाद उस फ्लैग को जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया इम्पोर्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे तो अभी हमने क्या करना है इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखना है इस तरह से और इसको हल्का सा तिगड़ा कर देना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ का बड़ा छोटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये आर्ट भी ना लेगे और अच्छा लगे उसके बाद इसकी कंट्रोल के साथ कॉपी करेंगे यहाँ पे ले जाके ड्रैग करके छोड़ देंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे हम लोग मिरर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो आपकी यहाँ पर मिरर हो जाएगी अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है अभी क्या है उसके बाद हमको अब यहाँ पर इसको थ्री करना है तो उसके लिए क्या करना है अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करना है और इसको यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो ग्रेडियंट फिल हो जाएगा और यहाँ से इसका कलर आप पिंक वगैरह भी कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे आप वो कलर यहाँ पे इसका कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे हल्का सा इसको पिंक में कर दिया और उसके बाद क्या करना है कीबोर्ड से प्लस प्रेस करना है तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी डाउन एरो और राइट एरो से इसको आप एडजस्ट कर लेंगे थ्री डी शेप में उसके बाद राइट right क्लिक करना है और आउटलाइन और इसकी कलर दोनों को इस तरह से फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और इसका क्लिक करना है इस पर ब्लेंड टूल पे जाना है और यहाँ पे इस पर टेन पे क्लिक कर देना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये यह जो यहाँ पे एक साथ टेक्स्ट यहाँ पे मूव हो रहा है तो ये यह यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हमने कंट्रोल के प्रेस कर दिया अब यहाँ पे ये यह अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक होगा अगर नहीं होता तो आप इसको यहाँ पे पीछे वाली इसके लिए सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के प्रेस करेंगे और या इन सब को पूरे को इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे ये अलग हो जाएगा और इसके बाद आप जब इसको अलग कर सकते हैं तो आप इसके बाद इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं ब्लू कर सकते हैं जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर इसको रेडी कर देते हैं और इसके बाद ये इसके पीछे एक टैक्स लिखा है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन सेलेक्ट करेंगे तो ये उस टेक्स्ट के नीचे चली जाएगी और टेक्स्ट आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये देखिए इसके बाद हमने इसका कलर कर देना है वाइट और 22 जनवरी 2024 लिखा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा और इसको सी और ई प्रेस करेंगे तो ये यह इसके यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा और इसके बाद इसमें ड्रॉप साइड वगैरह ऐड करनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप साइड वाले टूल पर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे नीचे की ओर और छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे थर्टी फाइव सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फैदर आपको टेन सेलेक्ट करना है तो इसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से इसकी फैदर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसको ध्यान रखा कि ड्रॉप सैडों को यहाँ पर ब्रेक जरूर कर देना अगर कंट्रोल के से अगर इसको आप ब्रेक कर देंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर ज़्यादा हैवी नहीं क्रिएट होगी और उसके बाद क्या करना है अपना इसके हिसाब से आपको स्पेस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे श्री राम ज्योति जलाएँ वाले को भी यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है तो इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे इसका कलर कर देंगे ब्लू और इसको भी जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसमें भी ग्रेडियंट दे देंगे तो इसमें पिंक का यहाँ पे हम ग्रेडियंट दे देंगे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और इस पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड से प्लस प्रेस करना है और डाउन और राइट एरो से इसको भी थ्री कर लेंगे तो पहले इस पर आउटलाइन सेलेक्ट कर लेंगे टू की आउटलाइन यहाँ पर लगा देंगे एफ सेलेक्ट करेंगे और इससे सेम प्रोसेस में आपको एप सेलेक्ट करके यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट कर देनी है उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है तो इस तरह से यहाँ पे वाइट की आउटलाइन लग जाएगी उसके बाद कीबोर्ड से प्लस प्लस करना है और डाउन एंड लेफ्ट एरो से यहाँ पे आपको इसमें आउटलाइन लगा देनी है तो आउटलाइन अभी हम डार्क कलर के लगाएंगे कुछ इस तरह से तो जो कि देखने में एक सैडो की यहाँ पर लुक देगा और उसके बाद यहाँ से इसको भी हमने क्या करना है कंट्रोल जी कर लेना है और कंट्रोल जी करने के बाद अब यहाँ पे जो टैग लाइन है इसमें भी आपको कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे कलर वगैरह कर देना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पे इसका भी कलर हमने चेंज कर देना है और इसको हम यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे पिंक में दे देंगे या रेड में ही देंगे जो भी आपको सूट करे वो आप यहाँ पे दे, दे दीजिएगा सेम इसमें भी हम कर देंगे वही कलर या इसका हल्का सा छोटा और कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक वॉसिबल लाइन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको फ्री हैंड टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको आधी हाफ लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये वाला यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ यहाँ पे इस तरफ की ओर ड्रैग करना है इसको उसके बाद इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देना है तो इसकी कॉपी हो जाएगी अब इन दोनों को ग्रुप करना है एफ ट्वेल्व प्रेस करेंगे और इसकी आउटलाइन यहाँ पे वन कर देंगे तो थोड़ी यहाँ पे मोटी हो जाएगी इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सी प्रेस कर देना है जैसे आप सी प्रेस करेंगे तो इसकी यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा और इसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं तो इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं ऑरेंज और इसको यहाँ पे भी नीचे भी ले आते हैं कुछ इस तरह से तो यहाँ पे इससे यहाँ पे आपको सो हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या करना है इसका कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अच्छा इन दोनों के बीच में स्पेस है तो एफट एन टूल्स लग करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम अंदर की ओर ले जाएंगे तो इसका स्पेस इस यहाँ पे कम हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है इसका कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं तो हमने इसको ब्लैक भी नहीं किया है और यहाँ पे अब इसमें F12 ट्वेल्व प्रेस करेंगे वन की आउटलाइन भी क्रिएट कर देंगे फिर से F12 ट्वेल्व प्रेस करेंगे और इसमें बिहाइंड फील्ड और यहाँ पे राउंड कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे वाइट आउटलाइन लगा देंगे और उसके बाद इसमें भी हमको क्या करना है थ्री डी वहाँ पर तो कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे डाउन एरो की और लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर कलर इसका कर देंगे डार्क और पेज डाउन करेंगे कंट्रोल के साथ इसमें भी थ्री डी यहाँ पर लग जाएगा अभी क्या है ये हमारा इस तरह से यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है अब हमको क्या करना है यहाँ पे एक ज्योति यहाँ पे दियाली यहाँ पे एक लगानी है अब इन पूरे मैटर को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड पर क्लिक कर देंगे तो ये इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा सारा मैटर एक साथ हो जाएगा अभी क्या करना है इस फोटो को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा छोटा बड़ा कर लीजिएगा तो हम यहाँ पर नीचे ले आए और उसके बाद क्या करना है इस बैकग्राउंड को भी इसके अंदर यहाँ पे लगाना है तो इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे सी और ई e प्रेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड इसमें आ जाएगा अब इसको शिफ्ट के साथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे बड़ा छोटा और चारों तरफ से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे फिर शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे और जे अपने की से राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप इनसाइड करेंगे और यहाँ पे इसको अंदर कर देंगे तो उसके बाद क्या है आपको शिफ्ट कंट्रोल के साथ इसमें क्लिक करना है शिफ्ट के साथ यहाँ पे पेज डाउन कर देना है और जैसे आप पेज डाउन करेंगे तो ये सारा मैटर आपका इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे ये इसके पीछे चली जाएगी अभी क्या करना है यहाँ पे हमको इस तरह से यहाँ पे ये हमारा मैटर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो इसके पीछे यहाँ पे एक हमको वाइट वो लगाना है यहाँ पे कलर तो इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स यहाँ पे एक इसका बना लेंगे सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इस पर वाइट कलर फिल कर देंगे और इसकी आउटलाइन यहाँ पर हम लोग ऑफ कर देंगे तो राइट क्लिक कर देंगे आउटलाइन पर बिट मैप में जाना है कन्वर्ट टू इसको बिट मैप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डीपीआई आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं फाइव सेलेक्ट कर दिया हमने और यहाँ से ओके OK कर दिया अभी क्या करना है इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे इस पर क्या करना है इफेक्ट्स में जाने के बाद ब्लर में जाना है गशियन ब्लर पर जाना है और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पर हमने ब्लर कर देना है इसकी ब्लरनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा तो देखिए हमने इसको यहाँ पर ब्लर कर दिया और इसके बाद हमको क्या करना है इसकी ब्लर थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे फिर से ब्लर पे जाएंगे और यहाँ पे घसीन ब्लर पे जाएंगे और इसकी पॉइंट फाइव कर लेंगे और ओके कर देंगे ओके करने के बाद क्या है इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे यहाँ पे साइज़ में और शिफ्ट कंट्रोल एक्स करेंगे इस पर और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे कंट्रोल वी कर लेंगे और फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो सारा मैटर जो इसके पीछे था वो यहाँ पे हमारा इसके ऊपर आ जाएगा और अभी क्या करना है हमको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा मैटर यहाँ पे बाहर आ जाएगा और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे पावर क्लिप इन साइड जाएंगे और ये वाइट वाला पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस पर ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 85. तो अपने हिसाब से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसी की सेम एक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल के साथ और यहाँ पे ले जा छोड़ देंगे तो ये इसके पीछे भी यहाँ पे हो जाएगा और इसको भी यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये मंदिर के पीछे इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ पेज शिफ्ट के साथ एफ टू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन में आ जाएगा उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जो वॉलपेपर है इस पर बिट मैप पर जाना है यानी इफेक्ट में जाना है और इसको ब्लर पे जाना है गसियन ब्लर पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हल्की सी ब्लरनेस आ जाएगी जो कि आपके यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे डार्क आपका जो बैकग्राउंड है वो नहीं दिखेगा जिसकी वजह से आपका मैटर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर हम फोर की पिक्सल यहाँ पर कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर शो कर जाएगा और अभी क्या करना है अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे फोटो यहाँ पे लगानी है सारी जो भी आपकी फोटो यहाँ पे जो भी आपको लगानी है तो अभी क्या इस पर क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ टू प्रेस करेंगे और नेट पे जाएंगे यहाँ पे हमको क्या करना है दियली पीएनजी इस तरह से हम यहाँ पे दयाली पीएनजी सर्च करेंगे और यहाँ से एक अच्छी सी दियली हम ये लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो ये दियली इस पर क्लिक करते हैं ये पीएनजी और यहाँ से हमने इसको सेव इमेज पे क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करना है कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और वो वाली दियाली यहाँ पे हमको डाउनलोड कर ली जो यहाँ पे वो इसको इंपोर्ट कर लेना है तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे दियाली यहाँ पे हमने इसकी साइज यहाँ पे थोड़ी सी छोटी कर लेंगे और एक यहाँ पे इसको और छोटी कर लेंगे और उसके बाद इसका भी साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे तीन दियाली यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे इसको सी प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंटर में हो जाएगी यानी इस दयाली के हमको इसको सेंटर में कर देना और इसका साइज यहाँ पे हम छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से आप दियली जो भी आपको सही लगे आप वो लगा लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है इन सब कंट्रोल जी से ग्रुप करना है राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इन इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाइट कलर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसको फिर से क्लिक करेंगे एफ ट्वेल्व प्रेस करेंगे और वन की आउटलाइन लगा देंगे आउटलाइन का कलर आपको जो भी लगे आप वो कर दीजिएगा तो यहाँ पे हम ऑरेंज कलर कर देते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ ऐड करनी है तो हम कंट्रोल आई से जो भी आपकी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है जैसे कि अभी हम यहाँ पर कोई भी फोटो एक लगा देते हैं जैसे कि यहाँ पर भी हम योगी जी की फ़ोटो है वो यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर हम लगा देते हैं तो आपको ये फोटो यहाँ पर साइड की फ़ोटो आप बड़ी भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से और अब इसके बाद इस बॉक्स को सेलेक्ट करके आप इसका साइज यहाँ पे छोटा कर लेंगे तो एक फोटो आप यहाँ बड़ी और लगा सकते हैं तो अभी हम इसके पीछे की फोटो यहाँ से करते हैं डिलीट यानी बॉक्स अब इसका साइज़ फोटो योगी जी का और बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से और मैटर आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं तो अभी हमने क्या करना है इस मैटर को यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे जो इसकी लाइन है इसको हम यहाँ पे अभी कर देते हैं डिलीट और इसको यहाँ पे हम इन दोनों मेट्रो को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो कंट्रोल यूज़ इसको अनग्रुप करेंगे और इस वाले मेटरो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसका साइज यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको ऊपर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आपको जो भी लगानी है कंट्रोल आई से फिर आपको इंपोर्ट करनी है तो कंट्रोल आई यहाँ पे कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ पे और कोई फोटो लगानी है तो आप वो फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे मिरर कर लेंगे और इसका साइज यहाँ से छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से अब इन सारे बॉक्स को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके सेंटर में ले आएंगे आपको यहाँ पे सारे बॉक्सों में जो भी फोटो आपको लगानी है आप वो लगा सकते हैं तो हमने इसको क्या करा यहाँ पर रख लिया और अब इस फोटो को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे सामने वाली फ़ोटो को देखते हुए तो इससे थोड़ी छोटी रहेगी इस तरह से हमने यहाँ पे ये यह फ़ोटो यहाँ पे एडजस्ट कर ली अब इन दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करना है राइट क्लिक करना है पावर क्लिप इंसाइट करेंगे तो ये फ़ोटो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे फिर से चली जाएगी और अभी क्या है अब हमारी यहाँ पे जो फ़ोटो इस बॉक्स में लगानी है आप वो लगा सकते हैं तो हम ये क्या करना है सिंपली यहाँ से इस फोटो को थोड़ा सा और यहाँ अंदर कर लेंगे और अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे जो फ़ोटो लगानी है आप वो फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हो तो अभी हम यहाँ पे अपनी फोटो यहाँ पे मैं अपनी फोटो यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे लगा देता हूँ तो राइट right क्लिक करना है और राइट right क्लिक करना है और पावर क्लिप इनसाइट पर क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स के अंदर चली जाएगी और अब अपने हिसाब से जो भी आपको फ़ोटो लगानी है आप वो फ़ोटो लगा लीजिएगा मैं अभी ये वाली फ़ोटो यहाँ पर लगा देता हूँ और उसके बाद इस सारे बॉक्स को हम कर देते हैं डिलीट और यही बॉक्स हम इसकी कॉपी कर देंगे ये देखिए हम इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे ला के छोड़ देंगे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे इस तरह से हमने यहाँ पे सारी फ़ोटो अपनी ही लगा लिए आप यहाँ पे फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी आउटलाइन और मोटी कर देंगे टू कर देंगे बस ये यह हमारा यहाँ पर बैनर रेडी हो गया नीचे आप यहाँ पर नाम वगैरह लिख सकते हैं और ये हमने जो छोटा किया था इसकी ज़रूरत नहीं है तो अभी हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको फिर से हम यहाँ पर बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसका कलर हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ज़्यादा लाइट था ये तो हमने ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया या ये कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं मैं ये कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से कर देना ओके ओके करने के बाद ये यह हमारा यहाँ पे बैनर बन के क्रिएट हो चुका है शिफ्ट एप टू से मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो हमारा ये यह बैनर यहाँ पे रेडी हो चुका है तो इसकी आपको सी डी आर फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा